हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मेडी न्यूज। तो गाइस, आज मेरे पास काफी कमाल की पॉप ब्रेकिंग न्यूज है और ये अपडेट इतना कमाल का है कि आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। मैं बात करने वाला हूँ इंटरनल्स के कैरेक्टर के बारे में और इसमें एक कैरेक्टर इतना धांस हुए कि आपने मेरा टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि मार्वल फेज 4 में आपको थर्ड नंबर की इंटरनल्स मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी दिखने वाली है, यानी कि उसका टेक्सचर और पूरी स्पेस की लड़ाई। देन ये मूवी कनेक्टेड होगी सीधे एवेंजर 4 से। अब पूछिए क्यों। आप सब जानते हो कि 10 साल से एक विलन रहा है थैनोस, जो कि लड़ाई खत्म हो रही है एवेंजर 4 पर। अब एवेंजर 4 का सीधा कनेक्शन है द इंटरनल से। वो कैसे? इस मूवी में आ रहा है थैनोस का खास भाई एरोस। जी हाँ, आपने सही सुना, थैनोस का भाई। और इस मूवी में थैनोस का भाई आ रहा है एरोस। तो सोचिए कि ये लड़ाई एवेंजर 4 में खत्म नहीं है, ये लड़ाई सीधा 2028 में खत्म होगी। ये बहुत बड़ी बात हो गई, मार्वल ने इतना बड़ा सरप्राइज हमारे लिए रखा है। और देन मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में एरोस के अलावा 13 कैरेक्टर और मेन होंगे जो कि एवेंजर से लड़ेंगे। अब वो एवेंजर कौन होते हैं ये हमें इन फ्यूचर ही पता चलेगा। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैन मारो। और कुछ जा रहा हूं।